नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। बजने को है सिक्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर सिक्स। तो खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले छह वो खबरें जिन पर नजर आपकी होनी ही चाहिए, वो आपको बता देते हैं। देश में कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति है क्या, अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी बुरहानपुर में वन विभाग के एक इनिशिएटिव की, पहल की, क्या है वो बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे एक्सपायरी डेट को लेकर सावधानी बरतने की, जो सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर में दो मामले सामने आए जो सेहत से खिलवाड़ से कम नहीं है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बात एक वायरल तस्वीर की भी होगी क्योंकि इसमें मंकी और डॉगी के रिश्ते बताए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो कहां हो रही है तैयारियां ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात जल के जल जले की। पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है, लेकिन यह बारिश अब कई राज्यों में आफत की बारिश बनते जा रही है। पूर्वोत्तर के राज्य असम की बात कर ली जाए, असम समेत देश के 10 से ज्यादा राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ से प्रभावित हैं। रिपोर्ट देखिए। जल का जल जला, मूसलाधार जल प्रहार, 10 से ज्यादा राज्य प्रभावित। मानसून पूरे देश में सक्रिय है और जमकर बारिश भी हो रही है। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत आ गई है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं। यहां भीषण बारिश का कहर देखने को मिला। पानी के तेज बहाव के बीच एक ट्रक फंस गया और देखते ही देखते वो कागज की कश्ती की तरह बह गया। हादसे के समय जिला प्रशासन की टीम भी वहां मौजूद थी और किसी तरह ट्रक के ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। राजस्थान के टोंक से ही एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें भारी बारिश और तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करते दिखाई दी और एक ही परिवार के 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें टोंक के मालपुरा इलाके की हैं। तेज बहाव के बीच फंसे एक ही परिवार के 5 लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी का सहारा लिया और सभी का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश अब मुसीबत बन चुकी है। जहां एक तरफ नदियां उफान पर हैं और रौद्र रूप में आ चुकी हैं, तो वहीं पहाड़ों से गिरता मलबा लोगों के लिए जोखिम भरा साबित होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरें चमोली की हैं, यहां लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों के खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरा देने वाली है। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से गिर रहा मलबा लोगों के घरों में घुस गया, साथ ही खेतों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर में नदियों में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं उन्नाव के मोहान में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात मुश्किल भरे नजर आने लगे हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव बड़ी समस्या बन रहा है। सामने आई तस्वीरों में लोग बारिश के दौरान सड़कों पर भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर दिखे। लगातार हो रही बारिश से असम के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। असम के बारपेटा से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उफनती नदी के पानी ने पूरे बारपेटा को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरों में बारपेटा बाढ़ के पानी से घिरा एक टापू जैसा नजर आ रहा है। असम में अब तक 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 52 लोगों की बाढ़ और बारिश की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण दी गई है।
बारिश का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऐसा लगता है मानसून की रफ्तार देखकर मानो बारिश का ब्रेक फेल हो गया हो। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। श्योपुर में बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन ने भी बाढ़ को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमपी पर मानसून मेहरबान है। मेहरबानी का आलम यह है कि कई जगहों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तस्वीरें श्योपुर की हैं। पिछले 24 घंटे से यहां बारिश हो रही है। बड़ौदी के सामुदायिक केंद्र में पानी भर गया है। हालत यह है कि बारिश के पानी में ही अस्पताल का सामान तैयार किया जा रहा है। वहीं बाढ़ में फंसे 12 छात्रों और 35 ग्रामीणों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुँचाया। वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे संत केशवानंद और श्रद्धालुओं का प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। शिवपुर जिले से होकर बहने वाली अमराल नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। शिवपुर की एक और तस्वीर देखिए। यहां बाढ़ की वजह से शिवपुर का ग्वालियर और शिवपुरी जिले से संपर्क टूट चुका है। शिवपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बड़ौदा नगर में है। यहाँ स्थिति बिगड़ने की वजह से दुकानों को खाली किया जा रहा है। शिवपुर की तीसरी तस्वीर देखिए। यहाँ स्कूल वैन के ड्राइवर ने उफनती नदी के ऊपर से गाड़ी निकाली। वैन में बच्चे बैठे हुए थे। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन ड्राइवर ने बच्चों की जान की परवाह किए बिना गाड़ी पार कराई। विजयपुर के एक लोध गाँव का ये मामला है। शिवपुरी, अब शिवपुरी के हालात देखिए। पोहरी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है और पोहरी से 24 गांव का संपर्क टूट गया है। शिवपुरी से ही पवा जल प्रपात की तस्वीरें सामने आई हैं। जल प्रपात में पानी का प्रवाह इतना तेज है कि इसका शोर दूर तक सुनाई दे रहा है। वेग इतना कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिख रहा है। लेकिन यहाँ सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। महज एक बोर्ड के सहारे यहां की सुरक्षा व्यवस्था है। छतरपुर, छतरपुर का जटाशंकर धाम तेज बारिश के बाद जलमग्न हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से तेजी से पानी बहता दिखा। हालांकि मंदिर में आए श्रद्धालु बारिश का आनंद उठाते दिखे। दमोह, दमोह में भारी बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश की वजह से ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को अंतिम संस्कार में भी समस्याएं आ रही हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे के सिंग्रामपुर गांव में पानी नाले के ऊपर से बह रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों को नाला क्रॉस कर दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। आज बड़ी दुख का विषय है कि हमारे शमशान घाट में आने के लिए नाले को पार करना कमरन पानी से आना पड़ता। बरसात में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है अंतिम संस्कार के लिए। इधर अंतिम संस्कार में आते समय रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं। नदी पड़ती है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग आने में असमर्थ होते हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कि इधर स्टाफ डैम या फिर पुलिया कुछ बनवाई जाए, जिससे हम अपने परिजनों को या फिर अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से ला सकें और अपनी किराया पूरी कर सकें। दमोह, दमोह की एक और तस्वीर देखिए। बारिश के बाद स्कूल और नदी में फर्क नहीं दिख रहा। बाइक निकालने की स्कूल के टीचर ने कोशिश की और उनकी जान पर बनाई। किसी तरह टीचर को बचाया गया। तस्वीरें हटा ब्लॉक के निमर मुंडा गांव की हैं। दमोह से ही लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। खेत में काम करने के बाद किसान ने ट्रैक्टर को धोने की नियत से नदी में उतार दिया, लेकिन गहराई का अंदाजा ना होने से ट्रैक्टर समेत डूब गया। किसान ने तैरकर अपनी जान तो किसी तरह बचाई, बाद में JCB की मदद से ट्रैक्टर कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। एमपी में मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है।
ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर मुरैना में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और अरोदा गांव रपटे पर 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। रपटा पार करते समय तो लोग बह गए, किसी तरह रस्सी के जरिए इन दोनों लोगों को बचाया जा सका। रपटे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं जो पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की शुरुआत हुई है लेकिन अभी से नदी नालों में उफान आ गया है। यही वजह है कि सोन नदी में उफान के चलते आधा दर्जन से गांव ऐसे बन चुके हैं कि इस समय कैलारस कस्बे से उनका संपर्क कट गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रह्मबाजने गांव के पास, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरीके से लोग नाले को पार करने के लिए जो जान का जोखिम उठा रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। इस नाले का पानी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक पानी कम होता है, उसके बाद इस नाले को पार किया जाए। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना जान की परवाह किए हुए ही अभी इस बहते पानी में 1 से 1.5 फीट नाले पर ऊपर पानी चल रहा है उसी में पार करने जुटे हुए हैं। हालांकि अब ऐसे में अगर ऊपरी इलाके में अधिक बारिश हो रही होगी तो ऐसे में पानी का तेज बहाव और भी बढ़ सकता है, और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन की द्वारा भी अभी तक यहां पर कोई ना तो बैरिकेडिंग की गई है, ना ही अभी तक यहां टीम तैनात की गई है। अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद आखिर शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अमित शर्मा, न्यूज 18, मुरैना। और अब बात एक ऐसी पहल की जिसके लिए ड्रोन की सहायता ली गई है। बुरहानपुर में वन विभाग ने कमर कस ली है और कॉम्बिंग गश्त शुरू कर दी है। गश्त और ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ रही है देखिए। गाड़ियों का काफिला हर चुनौती से निपटने को तैयार, हथियारों से लैस जवान मुस्तैद। गाड़ियों का काफिला चल रहा है, एक के पीछे एक गाड़ियां हैं। टॉप एंगल का वीडियो किसी फिल्म का दिखता है। एक और तस्वीर देखिए, गाड़ियों का काफिला रफ्तार से बढ़ रहा है। एक गाड़ी को छोड़कर सभी गाड़ियों का रंग एक जैसा है, सफेद। कच्ची सड़क पर गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, वर्दी में जवान हैं, एक दो नहीं पूरे 120 हैं। सब गाड़ियों के पास खड़े हैं, हथियारों से लैस हैं। भले आप इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझ रहे हैं लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। तस्वीरें बुरहानपुर के निपा नगर की हैं और यहां वन विभाग तैयारी कर रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए। इन जवानों की मदद के लिए ड्रोन आसमान में है। ड्रोन के जरिए ही ये तस्वीरें ली गई हैं जो किसी फिल्म की लग रही हैं। अब आपको कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह भी बताते हैं। दरअसल जंगल में अतिक्रमण कर हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। 2 साल में जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे लोगों को वन विभाग ने सख्त चेतावनी दी है। साथ ही खंडवा वन विभाग के सीसीएफ ने 120 कर्मचारियों के साथ जंगल में गश्त की। गश्त से माफिया को संदेश गया कि गड़बड़ी की तो खैर नहीं। जंगल पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि तुरंत एक्शन लिया जाए। तो जंगल बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। उम्मीद है इससे पेड़ काटने वालों पर लगाम लगेगी। गणेश कुमार, न्यूज 18, बुरहानपुर। खाने के सामान की समय सीमा होती है, ऐसे में एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। बलरामपुर में ऐसे 2 मामले सामने आए जहां सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। जलेबी बिगाड़ देगी हाजमा, पानी बिगाड़ देगा सेहत, एक्सपायरी डेट का रखें ध्यान। जी हां, खाने पीने के सामान को लेकर एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। खाद्य पदार्थ को तय समय के अंदर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, नहीं तो ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार होटल और दूसरी जगहों पर इसका ध्यान नहीं रखा जाता। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बलरामपुर की हैं जहां खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है।
इस बनी हुई जलेबी को नष्ट किया जा रहा है। इस जलेबी को बनाने के लिए जिस रंग का इस्तेमाल किया गया था वो एक्सपायर हो चुका था, बावजूद इसके होटल संचालक ने इसे जलेबी बनाने में इस्तेमाल किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग ने जांच की। जांच के दौरान होटल की इस गड़बड़ी का पता चला। मौके से तेल और दूसरे खाद्य पदार्थों के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। अब एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें शाला प्रवेश उत्सव की है और यहाँ अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी पानी की बोतल को बांटा गया। अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा आयोजन में शामिल हुए बच्चों ने भी बोतल से पानी पिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा विभाग ने किया था। मामले के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पानी की सप्लाई करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। लापरवाही शिक्षा विभाग की भी है, बिना जांच के पानी को बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।